गांव में लखपाल जब से नियुक्त हुए हैं तब से आप तक वो आए ही नहीं है। हमारे गांव को कोई भी जात निवास आय बनाना होता है तो कहते हैं इतना आइए, किसी का खेत नापना होता है तो कहते हैं 25,000 रुपया दीजिए, किसी के ऊपर गलत मुकदमा लिख देते हैं, दोहरिया बुजुर्ग ने एक गलत मुकदमा भी लिख दिए हैं। और मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे चक्रोड बनवाना होता है तो लखपाल ही नापेंगे उसको, जब मैं कहता हूं तो बोलते हैं मैं नहीं ना पाऊंगा ना मैं आ पाऊंगा। इसकी मुझे बड़े बड़े नेताओं की धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं उठा पाएगा, मेरा पाल जी से संबंध है, मेरा सतीश द्विवेदी से संबंध है। मैं एडीएम साहब को शिकायत किया तो एडीएम साहब ने कहा जैसे आप मैं जेल रहा हूँ वैसे आप जेलिए, अब बताइए हम लोग जेल पाएंगे? एसडीएम की तरह हम अधिकारी हैं, हमारे वो जिला अधिकारी हैं, वो जो जेलेंगे हम जेलेंगे? हमारे गांव का कोई आदमी उनको नहीं पहचानता, आप तक देखा ही नहीं है, हमारे गांव का विकास कैसे होगा, हमारे गांव का पेंशन कैसे बनेगा, हमारे गांव का कोई आज जात प्रमाण कैसे बनेगा? आपने कहीं लखपाल की शिकायत के खिलाफ मैंने आई जीआरएस किया था, मुझे कोई वो नहीं मिला, हम लोग उस कार्रवाई से हम एसडीएम साहब को दरखास्त। आगे की क्या लड़ाई होगी? आगे की लड़ाई होगी या तो लखपाल को हटाया जाए या तो हम लोग को पूरा गांव हटा दिया जाए, हमारा गांव हट जाएगा, हमको लखपाल की जरूरत नहीं रहेगी, पब्लिक परेशान ही नहीं होगा। अरे भाई बहन वालों, तहसीलदार महोदय वो हमारे जी आर उसके गलत गलत रिपोर्ट लगा दी, हम लोग को कह रहे हैं अधिकारी से पैसा मांग रहे हैं, हमारे यहाँ जल मिशन का जो बोरिंग बना था वो भी नहीं करा, आप तक आप तक जमीन ही नहीं दे पाए, हमारे यहाँ कोटे का जो अन्नपूर्णा भवन बनना था उसके लिए वो लिख के दे दिए कि वहाँ जमीन ही नहीं है, उसके बाद हम दबाव डाले, उसके बाद तो वो लिख के फिर दिए तो हमारे यहाँ काम शुरू हुआ। ऐसे गलत गलत चीजों कर रहे हैं तो हमारे गाँव का विकास कैसे होगा? जनता परेशान है।